गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप यहाँ पर चैप्टर कर रहे थे व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान के बारे में गौर करने वाली बात यह है कि वह यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, प्रतिबद्ध मतलब इस पे बाउंडेशन है इस चीज़ की कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली हुई है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने की नहीं आई है। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी के निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी की शुरुआती समय में राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काटछाट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राजा राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। ठीक है, जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने यह तर्क दिया था कि जो राज्य की राज्य का व्यक्ति है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है। ठीक है, जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे, जिससे वह अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। उसको ऐसा साधन जो है वह राज्य प्रदान करे। इसलिए राज्य के लिए है जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित जो है आज़ादी प्रदान करे, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें दी जाए। प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें दी जाए पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे। आश्चर्य नहीं है कि आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का जो है वह अभिन्नंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रोलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। देखिए, रोलेट एक्ट के बारे में आपको पता होगा। तो रोलेट एक्ट में ऐसा हुआ था, जिसे अंधा कानून या काला कानून के नाम से भी जिसे जाना गया था, इसमें सभी के सभी जो हैं वह ब्रिटिश सम्मिलित थे, इसलिए इस एक्ट का जो है वह विरोध किया गया था। तो ये कहता है इसने भी हमारी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जो है वह जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद का प्रतिष्ठ है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। ठीक है, आपको राइट भी है ये, ठीक है, राइट टू स्पीच, आपको अधिकार भी है बोलने का। तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। यहाँ इस बात को भी हम याद रखें कि संविधान को अंगीकार करने के लिए 40 वर्ष पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक, रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती है। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ बात करेंगे सामाजिक न्याय की। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता है कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय, सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इसे दो मायनों में अलग है। पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान जो है वह सामाजिक न्याय से जुड़ा है। देखिए, जो हमारा संविधान की हम बात करें तो वह सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल कास्ट है और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो एसटी हैं, उन्हें स्पेशल प्रोविजन के तहत मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इन्हें मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। देखिए, जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने यह विश्वास जताया था, उन्होंने अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट किया था कि जो ये व्यक्ति जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें मात्र ये सिर्फ एक समता का अधिकार देकर ही हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें बराबर कर दिया गया है, यह इनके साथ एक अन्याय होगा।
इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सावधानिक उपायों की जरूरत है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका है। अब उसके बाद यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान संविधान का उदारवाद तथा सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता था। देखिए पहले यदि हम अपनी कम्युनिटीज़ की बात करें तो हमारा जो पूरा समुदाय है वह अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड था और इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद इनमें जो समानता है सभी को एक बराबरी का रिश्ता नहीं होता था और उनको मतलब बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा दिया गया। ठीक है तो ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता था जैसे कि हम जाति के मामले में देखते हैं। देखिए किसी को उच्च जाति या निम्न जाति का हमारे समुदाय में दर्जा दिया जाता है तो पहले कुछ ऐसी स्थिति थी। दूसरे जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते थे तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते थे जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदा की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को कैसे उदार बनाया जाए, समुदायों को मान्यता ना देकर इसे समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारागार था ना ही वांछनीय था। इसका कारण यह नहीं है कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदायों से समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा मूल्य रीति रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और उससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। देखिए जब ये हमारे 28-29 आर्टिकल्स आते हैं तो उनमें यह अधिकार भी दिया गया है कि प्रत्येक जो धार्मिक समुदाय है वह अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकता है। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है या धन देने में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, देखिए आपको भी पता है इस चीज़ का कि भारत जो है वह एक धर्म निरपेक्ष देश है, एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। राष्ट्र का यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जाता है। माना जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्म निरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय जो संविधान है वह धर्म निरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्म निरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ है लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्म निरपेक्ष रहा है। हाँ यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म निरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे
के हस्तक्षेप ना करें। देखिए धर्म और राज्य दोनों ही एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना रहें, अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वे धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। राज्य के लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि वे धर्म के मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करें। ठीक इसी प्रकार धर्म को चाहिए कि वे राज्य की नीति में दखल ना दें, ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करें। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। धर्म और राज्य अलग रखने के लिए इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा रहे। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से मजबूत धर्म और ताकतवर बनता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा करने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया है तो वह क्या सहायता देगा? इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसे ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वे न तो धर्म की मदद करें, ना ही उसे बाधा पहुंचाए, ठीक है, ना ही बीच में कोई अड़चन डाले और ना ही उसकी कोई हेल्प करें। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। ठीक इसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकतर प्रदान करते हुए वह अधिकतर अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार ना बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बट गया है और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च है। इसी कारण ऐसा अनिवार्य हो गया है। यदि राज्य की निष्ठा इनमें किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्यों के बीच की गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक है। आवश्यक था माना गया है कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत में स्थितियां अलग थीं और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्म निरपेक्षता की वैकल्प धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्म निरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों से अलग हुए और उसके अलग अलग कारण थे। धार्मिक समूहों के अधिकार। पहली बात, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म सम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय के हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक का दूसरे पर प्रभुत्व नहीं होगा। देखिए यदि दोनों ही कम्युनिटीज को बराबरी का संबंध दिया गया है तो एक जो है वह दूसरे पर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकता है। तो इन समुदाय के सदस्य जो है वह आत्म सम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान जो है वह सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए पूरी कम्युनिटी जो है, पूरा समुदाय जो है, उसके लिए भी धार्मिक स्वतंत्रता है और एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात यह है कि धर्म और राज्यों के अलगाव का अर्थ है भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्म सम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। जो राज्य है उसको धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं।
राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। देखिए, किसी धार्मिक संस्थान, धार्मिक किसी धर्म का जो पूरा समुदाय है उसके द्वारा कोई शिक्षा से संबंधित संस्थान चलाया जा रहा है तो सरकार जो है वह उसे धन दे सकती है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और भावदा भी पहुँचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का पारस्परिक निषेध नहीं है, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। इसमें राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। हमें अभी तक तीन केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तीन केंद्रीय विशेषताएं कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया है जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को महत्व नहीं देते हैं अथवा स्थूलता का भाव रखते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के आरंभ में हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग दो दशक पहले ही अपना लिया था। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो हमने इस चीज को उसी टाइम पे अपना लिया था। तीसरी बात यह है कि विभिन्न समुदायों में आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार प्रदान किए हैं। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो चार दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई है। अब यहाँ हम देखेंगे सार्वभौम मताधिकार। दो अन्य केंद्रीय विशेषताओं की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता है कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और इसे समाप्त करना लगभग असंभव है। सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहाँ लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफी देर से दिया गया था। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब आप समझते हैं कि सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए किसी भी मत को देने के लिए, ठीक है। और जो हम पश्चिमी देशों की बात करें जहां पर लोकतंत्र काफी स्थायी रूप से है, वहां पर भी महिलाओं को जो अधिकार है वह काफी बाद में दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए, एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था और इस पहले प्रयास में भी इसे लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है।